जो लोग भी साथ में थे उन्हें पुनः एक बार आएंगे तो इस भाव के साथ कि इस जगत में जो भी शुभ है वो हमारे शिव है, उन शिव जी को हम अपने इस कर्णरंध्र से सुनते हुए अपने हृदय के भाव का अभिषेक कराने जा रहे हैं, है ना। वैसे भी शिवजी अभिषेक के बड़े ही प्रेमी हैं, उनको अच्छा लगता है कि मुझ पे अभिषेक होता रहे। और अभिषेक करने के लिए अभिषेक पात्र चाहिए होता है, तो एक पात्र होता है जिसमें एक छिद्र है, जिस छिद्र के आधार से जलों की धारा, जल की धाराएं शिवलिंग पे निरंतर गिरती रहती हैं। तो अगर अभिषेक करना हो तो अभिषेक पात्र का होना आवश्यक है। वैसे ही जीवन में अगर इस भाव का अभिषेक होना हो तो इस भाव के व्यक्ति को, जिस भाव ने जिस व्यक्ति ने धारण किया है उस व्यक्ति को पहले अभिषेक पात्र होना जरूरी है। वहाँ पात्र भी चाहिए अभिषेक करने के लिए और यहाँ पात्रता चाहिए अभिषेक होने के लिए। तो पात्रता खुद कथा बढ़ा देगी, बस हमारा काम ये है जो भी सुन रहे हैं भाव के साथ सुने, ठीक है ना। तो आइए आंखें बंद कर लें, मंगलाचरण करें। ऐसे भी किसी भी ग्रंथ, किसी भी पूजनीय कथाओं का आरंभ मंगलाचरण से ही होता है, ये पहली सीढ़ी है। मंगल आचरण, जीवन का आचरण अगर मंगल हो जाए तो जीवन की यात्रा भी सफल होती है और मंगल होती है, है ना। आइए आंखें बंद कर लें। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सच्चिदानंद परमा ब्रह्म समर्थ सद्गुरु श्री संत माउली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री ब्रह्मानंद लहरी बाबा की जय। श्री सांभ सदाशिव भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयममुदीरये। चंद्रोद्भासित शेखरे स्वरहरे गंगाधरी शंकरी सर्पये भूषित कंठकर्ण विवरी नैत्रोद्भवैश्वानरी दंतित्रकृत सुंदरांबरधरी त्रैलोक्य सारी हरि मोक्षार्थम कुरुचित्तवृत्तिमचला मन्यस्तु किं कर्मभि।
ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जदुख विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जदुख विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम तत् प्रणमामि कनक महामणि भूषित लिंगम पणिपति वेषित शोभित लिंगम दक्ष सुयाज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम शिवलिंगम
सद्गुरु शांतम सच्चिदानंद विग्रहम पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईश आनंदी वल्लभम माधुर्य रस कल्लोलाम शिवशक्ति रूपिणी अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनी ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक रूपये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणाय मूर्तये नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ किं परमं साध्यं किं वा तत् साधनं पदं साधक ई दृष्ट्वास्य तद् इवं ब्रूहि तत्वताम् साध्यं शिवपदं प्राप्ति ही। जिस कथा लीलाओं को वर्णन करते हुए हम यहां तक आप पहुंचे हैं, देखिए भगीरथ ने जो लाई वो भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा जी का अवतरण भगीरथ जी द्वारा जो हुआ, जहां से गंगा जी का उगम होता है वहां तो वो गंगोत्री गंगा के नाम से है, किंतु जहां भगीरथ जी ने तप किया वहां से वो भागीरथी नाम से आगे चली। सुन रहे हैं ना, सबका ध्यान है ना? वाह। तो जहां गंगा जी का उगम है वहां तो वो गंगा है, किंतु जहां भगीरथ जी ने तप किया वहां से वो भागीरथी बनी। ऐसे ही ज्ञान की गंगा तो गंगा ही होती है, किंतु आगे चल के वो गंगा भगवती बन जाती है जब भक्त उसे आमंत्रित करते हैं। तो ये शिव महापुराण की गंगा यहाँ तक आ पहुँची है। हम भाग्यवान जीव है ना कि हमारे द्वार तक आ पहुँची है, और जिनके माध्यम से आ पहुँची उनके लिए ताली तो ज़रूर बजा सकते हैं। तो मेरे आगे बैठे आप सब भगीरथ है, जो भगीरथ इस शिव महापुराण के गंगा को आमंत्रित करके यहाँ भाव से बैठे हैं। और ये बात तो है, यहाँ तो वही आ सकता है जो शिव का चाहता हो, जो शिव नाम के प्रेमी हो, और जो शिवत्व को जानते हो या जानने की इच्छा रखते हो। सही बात है, यहाँ तक यानी कथा तक अम्ब के रूप में प्रकट होने जा रहे। देखिए आज प्रकट हो जाएंगे और कल शादी कर लेंगे, ठीक है ना? तो कितने जल्दी, यानी आज उस निर्विकार परब्रह्म के स्वरूप ज्योति स्वरूप के दर्शन होने वाले हैं, और कल हम उनके साकार स्वरूप के दर्शन करने वाले हैं। अच्छा, मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है कि शिव शंकर महादेव ये कोई अलग है या फिर एक ही तत्व है? इस तत्व का कार्य क्या है? ये जगत में आए कैसे हैं? स्वाभाविक है इन प्रश्नों की मन में उपज होना, पर इसका जवाब तो एक ही दे सकता है, वो है शिव पुराण। शिव पुराण की ही कथाएं इसका उत्तर दे सकती हैं। और साध्यम शिव पदम प्राप्ति, शिव पद की प्राप्ति। क्या है शिव पद? हमने कल सुना कथा चंचुला। जीवन पर्यंत असंस्कार के कारण, कुसंस्कार के कारण, कुबुद्धि के कारण, अधर्म के कारण, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं स्व की ओर अग्रेसर ना होने के कारण, यही चंचुला अपने पति की जो गति हुई सो तो हुई, पर इसकी भी गति ना हो पाई। और ये जरूरी है मन की स्थिति, मन रुकना जरूरी है ना, भाग रहा मन इधर उधर निरंतर। मन की स्थिति, जीवन में प्रगति और जीव की गति आवश्यक है। कैसी होगी? अनेकों कथाओं का वर्णन करते हैं, कहते हैं सूत और शौनकादि मुनियों ने जब ये संवाद को आरंभ किया
तो इस संवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही था कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस पाथ पर चलना है। कहते हैं ना, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि अगर हमें कहीं यात्रा करनी हो, छोटी सी छोटी तक भी यात्रा करनी हो, समझो यहाँ से हमें दुर्ग तक जाना है, इतनी भी यात्रा करनी हो तो पहले यहाँ होना ज़रूरी होता है कि मुझे कहाँ जाना है, किस मार्ग से जाना है, कौन सी गाड़ी पकड़ना है, कौन सी गाड़ी में बैठना है। एक व्यक्ति दुर्ग के लिए जाने के लिए चला, देखा नहीं कुछ नहीं, चल लिया गाड़ी में। लोगों ने पूछा, भाई जाना कहाँ है, तो कहने लगा दुर्ग। अरे ये तो दुर्ग नहीं जाती, दुर्ग नहीं जाती। ठीक है, उतर गया। बहुत देर तक प्रतीक्षा की, फिर से एक बार बस स्टैंड पर कि अब आएगी गाड़ी, अब आएगी गाड़ी। गाड़ी तो आ पहुंची, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, उसको धक्का देकर, उसको पीछे खींच कर, इसको उसको कुछ तो भी करके, अरे वाह, इसके सिर पर पैर रखकर, उसको खींच कर, इसकी चोटी खींच, कैसे तो भी अपना सामान पकड़ कर बैठ गया गाड़ी में। गाड़ी थोड़ी सी दूर चली ही थी तो किसी ने पूछ लिया, कहाँ जाना है? दुर्ग जाना है। अरे ये गाड़ी दुर्ग नहीं जाती। फिर उतर गया तो किसी ने सलाह दी, एक काम करो, जब भी अब गाड़ी आए ना, तब पढ़ लेना कि जाती कहाँ है। अगर नहीं पढ़ सकते तो कम से कम पूछ तो लेना कि जाती कहाँ है, फिर बैठना। जाती वहाँ है जहाँ जाना हो, तो कुछ भी करके चढ़ो। और अगर जहाँ हमें जाना है वहाँ जाती ही ना हो ना, तो कितनी भी जगह खाली हो वहाँ ना बैठो। ऐसे ही हुआ, अभी थोड़ी दिन पहले की बात है, रणछोड़ जाने के लिए हम निकले तो थे, अब हमें तो कुछ नहीं पता वहाँ का। हमारे साथ जो थे, आते वक्त दौड़ते भागते कैसे तो भी करके गाड़ी तो पकड़ ली, एक स्टैंड पर रुक ली, बहुत देर तक रुकी थी, बहुत देर तक रुकी थी। तो हमारे साथ वाले जो थे, उन्होंने पूछा, भाई ये सूरत कब पहुँचेगी? तो कहने लगे, ये सूरत नहीं जाएगी, अब वापस अहमदाबाद जाएगी। तो भागते दौड़ते उतर गए वहाँ से, गाड़ी तो पूरी खाली पड़ी थी, पर वहाँ नहीं ले जा रही थी जहाँ हमें जाना था। छोटी सी भी यात्रा अगर करनी हो तो पहले हमें, हम देखते हैं हमें कहाँ जाना है, और फिर वहाँ जाने के लिए क्या क्या हमारे सहायक है। साध्यम शिवपदम प्राप्ति, ये शिवपद की प्राप्ति के लिए मुझे क्या क्या सहायक है, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, तैयार बैठा हूँ। सुन रहे ना? तो इस कथाओं के द्वारा, हाँ जरूर ये प्रश्न तो मन में आ सकता है। आज तक हमारा जीवन 30-40-50 साल तक बीता, जीवन की कोई दशा तय तो हुई नहीं। क्या इतनी 2-4-5 दिन की कथा सुनने से इतने दिनों तक जो दिशा नहीं मिली, क्या वो मिल जाएगी? तो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आंखों से सीखना चाहिए, है तो ब्लैक एंड व्हाइट पर कलरफुल दुनिया देखते हैं। सही बात है ना? है ब्लैक एंड व्हाइट पर दुनिया कलरफुल देखते हैं। ऐसे ही है जीवन का, हो सकता है कथा एक अलग दृष्टि प्रदान कर दे, कथा के माध्यम से एक ऐसी दृष्टि मिल जाए जिस दृष्टि के द्वारा मेरी सृष्टि बदल जाए, समष्टि बदल जाए। और बदलने के लिए समय नहीं लगता, कौन कहता है बहुत दिनों तक तप करना पड़ता है? नहीं नहीं, बहुत दिनों तक तप करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक भाव मन में जग जाए कि मुझे इस जीवन से छुटकारा, इस घटनाओं से छुटकारा। यही हुआ ना चंचुला का, हमने कल सुना भी तो था, अपना जीवन क्या बीता पता नहीं, पर जो भी जीवन बीता, जब सुनी है कथा कि कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ता है, कैसा रहता है नरक, क्या रहता है स्वर्ग, ये सुना और महात्मा जी को प्रार्थना की, तो महात्मा जी ने कहा शिव कथा सुनो, शुभ कथा सुनो। क्योंकि हम जो भी आरंभ करते हैं, अब कितना भी अच्छा स्नान करके आए,
तो भी पंडित जी आरंभ तो यही से करेंगे, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा, भाई हम स्नान तो बड़ा ही अच्छा करके आए हैं, स्प्रे परफ्यूम बहुत अच्छा, फिर भी आपने आरंभ तो यही से किया अपवित्र पवित्रो वा, ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, फिर बाद में क्या कहा? प्राणायामे केशवाय नमः गोविंदाय नमः माधवाय नमः, तीन बार आचमन किया, फिर प्राणायामे विनियोग, प्राणायाम करिए, तो पहले तो शरीर की शुद्धि की, ऐसे किया ना, जल का सिंचन कर शरीर की शुद्धि हो गई, फिर तीन बार आचमन करके मन ये जो मन है ये तीन प्रकार से मुड़ा हुआ मन है, कहाँ कहाँ है? जल्दी प्रभावित होना, जल्दी मलिन होना और जल्दी ही कुसंग में चले जाना इसका स्वभाव है, और इस कली काल में दो बात का परिणाम तुरंत है, एक है कुसंग का और एक है सत्संग का, परिणाम के लिए ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ही दिखाई देता है परिणाम। तो मैं अक्सर कहती रहती हूँ, ऐसे ही महात्माओं का सुना है वही बताती रहती हूँ, लोगों ने जिसे चुना वो सांसद में जाके बैठे, लोगों ने जिसे चुना है वो सांसद में जाके बैठे हैं, मेरे प्रभु शिव जी ने, गुरु ने जिसे चुना है वो सत्संग में आके बैठे हैं। शिव पदम प्राप्ति मूलम, यही तो है, यही है कि जो शिव पद प्राप्ति के लिए कारण बनता है। सुन रहे ना, सुन रहे ना, सुन रहे ना, सो रहे ना, अच्छा जाना कहा था, कहा पहुंच गए, अच्छा जानने निकलते हैं, मैं जानना चाहता हूं खुदा क्या है, भगवान कौन है, भगवान को है, चल पड़ते हैं भगवान को खोजने के लिए, क्या तूने खुद के मन को समझा, क्या अपने भाव को समझा, अपने विचारों को समझा? लोग बहुत तप कर लेते हैं, गंगोत्री से गंगा लेते हैं, केदारनाथ पे चढ़ाते हैं, यमुनोत्री से यमुना लेते हैं, द्वारका नाथ पे चढ़ाते हैं, लोग साधारण तप नहीं करते, बहुत तप करते हैं, उपवास के दिन रोटी खाएंगे नहीं, उपवास के दिन रोटी नहीं खाएंगे, पर एक घंटा किसी की चुगली कर लेंगे, इस मुंह से रोटी तो नहीं खाएंगे पर एक घंटा किसी की चुगली कर लेंगे, और एक घंटा किसी की निंदा करने के बाद क्या कहेंगे पता है? हमें क्या लेना देना, जो जाने सो जाने। अच्छा तो एक घंटा क्या किया? इसलिए मैं अक्सर कहती रहती हूँ, जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना, हाँ, जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना है, तो पहले खुद को तो जान लो, तो जहाँ जाना है तय होना आवश्यक है, जो बताना है वो पहले यहाँ मालूम होना ज़रूरी होता है, अगर आपको कुछ बोलना हो, आपको किसी को कुछ समझाना हो, क्या वो पहले मुझे समझ आया है? मुझे अगर आनंद बांटना है तो क्या आनंद मेरे मन में बैठा है? विष पिया अमृत दिया कितना उदार तू, विष पिया अमृत दिया कितना उदार तू, आयो शरण तुम्हारी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तुम्हारी नमो बार बार हूँ, विष पिया अमृत दिया कितना उदार तू, आवश्यकता नहीं भले ही जगह हो, पर जहां हमें जाना है ऐसी गाड़ी
भले ही फुल हो तो थोड़ी बहुत अपने लिए जगह बना लेना। तो देखो कितनी सुविधा करके रखी है आपके लिए, हॉल में बैठाया है और नज़दीक बिठाया है। इसका कारण है, अगर गलती से किसी को निद्रा देवी पसंद, निद्रा देवी आ जाए तो साइड वाले ने इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समाज कार्य भी कर लेना, अपना कंधा उसकी ओर बढ़ा देना। तो उसकी निद्रा देवी की गाड़ी तो चल पड़ी है, क्या आप रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। सुन रहे ना, कहने का अर्थ तो इतना ही था, जहाँ जाना है वहाँ बैठना है और उसी दिशा में निकलना होगा। और इस दिशा के सहायक कौन बनेंगे? जाते हुए परेशानी तो आ सकती है। कहते हैं अगर लक्ष्य तक पहुंचना हो, लक्ष्य अच्छा ना हो, रास्ता कितना भी अच्छा हो चुनना नहीं चाहिए, लक्ष्य अच्छा हो रास्ता, रास्ता वहां तक पहुंचने वाला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, चलो चलते जाओ, चलते जाओ और स्वीकार करते जाओ, क्योंकि हमारा लक्ष्य अच्छा है तो रास्ते की चिंता ना करना, पहुंचना आवश्यक है तो रास्ते की। इसलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ, बस यूँ तो हमारा कंठ नीला नहीं, बस यूँ तो हमारा कंठ नीला नहीं, पर हे नील कंठ प्रभो, हमने भी कुछ कम विष पचाया नहीं, हमने भी समाज से निकले बहुत सारे विषों को देखा है, कभी बदनामियों के घूट पिए हैं तो कभी तिरस्कार के घुट पिए हैं, कभी भ्रम के घुट पिए हैं तो कभी भ्रांतियों ने जकड़ा है। पर एक बात है, बस यूँ तो हमारा कंठ नीला नहीं, पर हमने भी कुछ कम विष पचाया नहीं। किसके आधार पे, किस आधार पे हमने इसको स्वीकार किया है? केवल एक, विष पिया अमृत दिया कितना उदार तू, आयो शरण तुम्हारी नमो बार बार हो, आयो शरण तुम्हारी नमो बार बार हो, विष पिया अमृत दिया, विष पिया अमृत दिया कितना उदार तू, आयो शरण तुम्हारी नमो बार बार हो, आयो शरण तुम्हारी नमो बार बार। देखिएगा भगवान शिव, भगवान शिव भयंकर है और शुभंकर है। भगवान शिव कुबुद्धि धारण करने वाले के लिए भयंकर है और भगवान शिव भक्तों के लिए शुभंकर है। इसलिए उनको काल कहा है, केवल काल नहीं कहा, महाकाल कहा है, काल के भी कालातीत है, महाकाल काल है, महाकाल कहा पर बाद में कह दिया कृपालम, कालम महाकालम पर कृपालम, काल है महाकाल है, समय आने अनुसार वो काल बनते हैं, किसी किसी का तो महाकाल भी बन जाते हैं, पर अपने भक्तों के लिए वो कृपालम भी बन जाते हैं। दोनों हाथ उठाए, आयो शरण तुम्हारी नमो बार बार, आयो शरण तुम्हारी नमो बार बार, विष पिया अमृत दिया कितना उदार तू, अमृत दिया कितना उदार तू, आयो शरण तुम्हारी नमो बार बार, आयो शरण तुम्हारी नमो बार बार, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार, नमो बार बार हो, नमो बार बार। कहते हैं, सुन रहे हैं ना, वाह वाह, अपने भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान है तो व्यापक, पर व्यापक भगवान लिंग के रूप में आगे प्रकट होते हैं। लिंग माने चिन्ह, लिंग का अर्थ है चिन्ह, सिंबल, प्रतीक।
चिन्ह के रूप में आगे प्रकट होते हैं। वैसे तो व्यापक है, तो लोगों ने कहा भी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेमवश प्रगट होते हैं, पर आगे चल के इसी तत्व के परम धाम को ज्ञानेश्वर माउली ने क्या कहा है कि लिंग क्या है। महाराष्ट्र के अद्भुत संत जिन्होंने अपने 16वें वर्ष में ही सबसे बड़ा महाग्रंथ ज्ञानेश्वरी की रचना की, वो कहते हैं कि गुरु लिंगा ठाई ध्यान रूप। हाँ ये तो है कि लिंग रूप में भगवान शिव आगे है, भक्तों के लिए आए हैं, जो है सो है, पर गुरु लिंगा ठाई ध्यान रूप। ज्ञानेश्वर माउली ने गुरु को ही लिंग रूप कहा है कि मेरे गुरु ही लिंग स्वरूप है और गुरु पूजन ही मेरा धर्म है। यानी आगे कहते हैं कि देखिए, जैसे बहुत बड़ा वृक्ष है, सुन रहे ना, जैसे बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, इस वृक्ष के पत्तियों को डालियों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है, अगर उस मूल को हम जल दें तो वृक्ष की वृद्धि होती है। मूल सिंचने शाखा पल्लव सिंचिति, मूल के सिंचन से शाखाएं भी सिंचित होती है। ऐसा ही है कि जो चाहता है मुझ पर सब देवों की कृपा हो जाए, महादेव प्रसन्न हो जाए, जगत का हरेक जगत के देवता मुझ पे अपने आशीर्वाद बरसा दे, तो अपने गुरुजी के शरण आ जाए, अपने गुरु के चरण पकड़ ले। कहते हैं गुरु मूल है, सतसंगति मूल है, सतसंगति पावन मूला। सुन रहे ना, ध्यान है ना, कहा है। हाँ फिर ठीक है, नहीं है तो सही, पर क्या कहा है ये भी तो जानना जरूरी है। नहीं तो अक्सर कथाकार कथा गाते रहते हैं और श्रोता लोग झोंका रहते। अच्छा, अच्छा सुनना क्या है? अच्छा सुनना ये है कि इसे मैं जीवन में कहा उतार सकते हैं, हम जीवन में कहा इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखना ये मेरे लिए क्या कर सकता है, ये बहुत अच्छी गाइडलाइन हो सकती है मेरे लिए, अगर मैं धारण कर लूँ तो, यहाँ पहुँच जाऊँ तो। तो हम सुन रहे थे कि मूल सिंचिति शाखा, अगर मूल का सिंचन किया जाए तो शाखाएं भी सिंचित होती है। ऐसे ही ज्ञानेश्वर माउली ने तो गुरु लिंग कहा है, गुरु भी लिंग है और गुरु लिंग के स्वरूप की पूजा करे। गुरु प्रतीक होके, ज्ञान के प्रतीक होके आगे बैठे हैं। गु शब्द स्वंद कारोसी, रु शब्द तन निरोध का। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, लघु अगर छोटा है तो गुरु महान है। इस जगत में जो जो महान है वो लिंग रूप प्रतीक रूप धारण किए गुरुदेव ही। गुरु का पूजन ही शिव पूजन है। एक कथा आती है रामायण के द्वारा, वो गाते हैं कि एक महाराज जिनका नाम है कागभुशुंडी, जीवन पर्यंत ओम नमः शिवाय गाते रहे, सहस्त्रों बार ओम नमः शिवाय का उच्चार किया था इन्होंने, कितने वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया था, पर एक दिन शिवालय में बैठे थे, कहा महाकाल की उज्जैन नगरी में बैठे थे शिवालय में, और वहां से गुरु आए। जैसे आगे गुरुदेव आए, यहाँ बैठे थे शिव जी की उपासना करते हैं, ये सोचने लगे मैं तो शिव का उपासक हूँ, मैं ओम नमः शिवाय गाते रहता हूँ, गुरुदेव आए हैं तो आए हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो उपासना गाते रहूँ, इतने वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया था, फिर भी शिव जी ने कहा न गुरुरधिकम न गुरुर्यधिकम शिवशासनतः इदमेव शिवम इदमेव शिवम मम शासनतो। ये गुरु गीता ने गाया है। गुरु गीता क्या है? गुरु गीता, एक बार माता पार्वती ने पूछा कि इस जगत में आप किन का ध्यान करते, तो शिव जी ने कहा मैं गुरु तत्व का ध्यान करता हूँ। तो इसी गुरु गीता का ये मंत्र है न गुरुर्यधिकम। जैसे ही शिव जी ने देखा कि ये बड़े भाव से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, पर आगे से गुरु आए, गुरु लिंग को समझ ही नहीं पाया जो प्रतीक रूप में आगे है।
इनके महात्म्य को समझ नहीं पाया तो शाप दे दिया, जा तू कौवे के रूप में भटकेगा, पर तेरा उद्धार राम कथा सुन के होगा। राम नाम का उच्चार करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए काकभुशुंडी जी का उद्धार राम कथा में लिखा गया है। तात्पर्य क्या है? हम तो गुरु भक्तों के लिए हमारे गुरु ही आगे लिंग स्वरूप है। कैसे? देखिए, भगीरथ जी ने तप किया तो गंगा जी आए, हमने ये तो सुना है। जब भगीरथ जी ने तप किया तो गंगा जी आई, और गंगा का प्रवाह इतना था कि गंगा जी कहने लगी कि देखो मेरा प्रवाह बड़ा ही विशाल है, मैं तो आ रही हूँ पर पाताल में चली जाऊँगी मेरे प्रवाह के कारण, तो क्या करें? तो भगीरथ जी ने कहा आप ही सुझाव बताइए वैसे हम करें। तो कहने लगे शिव जी की आराधना करो, तो मैं शिव की जटा में बैठ जाऊंगी और जटा से फिर धीमी धीमी होके निकलूंगी। ये तो बड़ा अच्छा उपाय है। शिव की उपासना करने लगे भगीरथ। शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी की जटा में गंगा जी बैठ गई, और गंगा फिर धरती पे अवतरित हुई, तो भगीरथ के कुल में जो भी पातक हुए थे वो नष्ट हो गए। कथा तो इतनी सी ही है, कथा तो सर्वसाधारण है जो कि हमने सुनी भी होंगी शायद, पर इसका सारतम्य क्या है, इसका गाभा क्या है? इसका गाभा ये है कि ज्ञान की गंगा समझने के लिए बड़ी कठिन है, ऐसे समझ नहीं आती, ऐसे पकड़ में नहीं आती। फिर जब ज्ञान की गंगा बड़ी ही कठिन है समझने के लिए, वो तो पाताल में चली जाएंगी, तब शिव गुरु रूप बन के आते हैं, अपनी जटा में वो ज्ञान की गंगा धारण कर लेते हैं, और फिर जटिल से जटिल ज्ञान गुरु के मुख से प्रवाहित होता है। प्रवाहित जब होता है वो जटिल ज्ञान भी आसान बन जाता है, जैसे माँ अपने बच्चे को उतना ही निवाला खिलाती है जितना वो पचा सके, तो पाचक भी हो और रोचक भी हो। हाँ, ध्यान मूलम, पाचक भी हो और रोचक भी हो, इसलिए ये बड़ी ही ज्ञान की गंगा जो विशाल है समझ में नहीं आएंगी। देखो ना, आप खोलो कोई भी पुस्तकें खोल लीजिए तो आपको दिखेगा हे राम ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पल्ली ही नहीं पड़ रहा। और तब एक काम करना, समर्पण कर देना गुरु सन्निधि में बैठकर। मैं तो कहती हूँ एक शरीर भी आवश्यक नहीं है उनका यहाँ होना, जैसे मिलो योजनों दूर सूर्योदय होता है और यह कमल खिलता है, वैसे ही है, योजनों दूर सूर्योदय होता है, यह कमल खिलता है। कितने भी दूर गुरुदेव बैठे हों, उन्होंने अगर अपने भक्तों पर कृपा कर दी तो आप जहाँ कहाँ बैठे हैं हमारे हृदय में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होना आरंभ हो जाती है, यही तो प्राप्ति है अध्यात्म जगत की। तो गुरु का महत्व क्यों है इस जीवन में, गुरु का महत्व क्यों है? सुन रहे हैं? कितने लोगों का ध्यान नहीं है, हाथ उठाएं। शाबाश, समझ सकते हैं, कोई एक तो पकड़ा जाए। अब पकड़ा जाए तो हमें भी समाधान लगता है, तो एक पकड़ में आ जाए। सुन रहे ना, ध्यान है ना, वाह। अच्छा, गुरु की आवश्यकता क्या है? जीवन तो ऐसे ही जी रहे थे लोग, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, सब कर रहे थे। गुरु की आवश्यकता क्या है? गुरु क्या करते हैं जीवन में? क्या उद्देश्य है गुरु का आना, और कारण क्या है हमें गुरु तक पहुंचना? कारण है, देखो हमें पता नहीं हमने गत जन्म में कौन सी उपासना की, हमें पता नहीं हमने गत जन्म में कौन सी साधना की, यहाँ तक हमें ये तक पता नहीं कि माता के गर्भ में हम कैसे थे, यहाँ तक एक वर्ष की आयु में हमने क्या क्या किया ये भी हमें याद नहीं। क्या याद है बताइए? कुछ भी याद नहीं। अगर एक वर्ष की हमारे ही जीवन की आयु में हमने क्या क्या किया ये पता नहीं, तो पिछले जन्म का क्या पता होगा? पता नहीं ऐसी कौन सी साधना हम अधूरी छोड़ के आए हैं, पता नहीं गत जीवन में कौन सी साधना की है। और जन्म तो ऋणानुबंध पर निर्धारित है, जिस जीवन में कुछ लेन देना बचा हो उसके घर में हमारा जन्म होता है। पिछले जन्म में कुछ लेन देन बची होगी, तो कुछ लोग मुझसे आके पूछने लगे दीदी मेरी पत्नी पिछले जन्म में क्या थी बता देना, उतना पता नहीं ऐसा कौन सा लेन देन था जो बाकी था। कहने लगे श्री गणेश जी की तो दो ही पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, मेरी तो एक ही है फिर भी जिद्दी।
सुनती नहीं दीदी, कुछ तो कारण बताए। क्या लेन देन था ऐसा? तो मैंने कहा शायद उसकी रोटी आप लेके भागे होगे। जो भी हो चलो छोड़ दो, विषय ये जरूरी है कि कुछ लेन देन पे निर्धारित होता है हमारा जन्म और मृत्यु। पर हमने कौन सी साधना की हमें क्या पता। देखिए परिवार में अगर किसी देवता की पूजा होती हो, आपको वो कहते हैं बैठो पूजा करो, ध्यान करो, बैठो गणेश जी की अभिषेक करो, उन पे जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ाओ, आप कहोगे मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, परिवारों वालों के लिए खुश करने के लिए भी मुझसे ये हो नहीं रहा, मैं बैठ नहीं पा रहा, नहीं कर पा रहे हम पूजा, उनकी खुशी के लिए भी हम नहीं बैठ सकते, नहीं अभिषेक कर सकते हैं। और फिर पता चलता है हमने गत जन्म में क्या साधना की। हमारे इष्ट कौन थे? गुरुदेव के सामने जाइए, एक पत्थर देते हैं, किसी को कहते हैं जा ये तेरे लिए शिव है, किसी को कहते हैं जा ये तेरे लिए माँ भगवती है, जगदम्बा है, जा, किसी को कहते हैं ये तेरे लिए श्री गणेश है। ये कैसे? केवल और केवल गुरु जानते हैं कि हम गत जन्म में कौन सी साधना अधूरी छोड़ के आए हैं और इस जीवन की यात्रा हमें कैसी सफल करनी है। तो आप आगे चले जाइए, गुरु आपका वो मशीन ही है, तुरंत स्कैन कर देते हैं। अच्छा जा थोड़ी ध्यान करना, देखते हैं थोड़ा हाँ जा थोड़ा प्राणायाम कर लेना, जा थोड़ा रुद्र पूजा में बैठ जाना, जा अच्छा थोड़ा चंडी होमा कर लेना, थोड़ा देवी पूजा में बैठ जाना। मैंने भी गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव बड़ी समस्या है क्या कहूँ? तो गुरुदेव ने कहा हाँ जा एडवांस कोर्स कर लेना, ये भ्रम है सब। तो मैं बैठी एडवांस कोर्स में, तो गुरुदेव ने आदेश दिया है तो बैठना है। पता नहीं हर एक एडवांस कोर्स मुझे निद्रा देवी तो प्रसन्न रहती है, पर उस समय जब ध्यान कर रही थी तो पता चला ओह तो ये ऐसा है, जब हम अपनी ओर लक्ष्य केंद्रित करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो यहाँ भीतर जो कर्म की ग्रंथियाँ है वो कर्म की ग्रंथियाँ छूटने लगती है। जहाँ भगवत गीता में भगवान ने कहा था कि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के इस बंधन को छोड़ने लगते हैं भगवान जब हम ध्यान करते हैं, ये तो मैं समझ ही नहीं पाई, समझ रहे ना। तो हम गत जन्म में कौन सी साधना छोड़ के आए हमें नहीं पता। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं मन में जैसे, गुरु में ही गीता कुरान मिल गई, गुरु क्या मिले भगवान मिल गई, गुरु में ही गीता कुरान मिल गई, गुरु क्या मिले भगवान मिल गई। गुरु क्या मिले भगवान मिल गई, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। तो इसीलिए सुन रहे हैं, समझ भी तो रहे ही होंगे। ऐसे ही चंचुला ने अपने गत जन्म में शिव कथा सुनी और इसे शिव पद की प्राप्ति हुई। मतलब अर्थ यह है कि चंचुला शिवलोक में पार्वती जी की सखी बनी है और पार्वती जी की सखी बन के विहार करने लगी। एक दिवस माँ उमा का, माँ पार्वती का बड़ा ही स्तुति गान किया, अद्भुत स्तुति गान करने लगी चंचुला कि हे उमे, हे जगदम्बे, हे शिव प्रिय, हे सर्वसाध्यमयी, आप ही तो करुणा करी हो, ममतामयी हो, प्रेम की मूर्ति हो, आप में वात्सल्य है। वैसे भी देखा जाए तो माँ भगवती में वात्सल्य प्राधान्य है। वात्सल्य माने क्या? वात्सल्य का अर्थ ये है जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करना और उसने जैसा होना चाहिए वैसा उसको बनाना। तो जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं और जैसा होना चाहिए वैसा माँ भगवती बनाते हैं। गुरु भी तो यही करते हैं, उसने जैसा होना चाहिए वैसे बनाते हैं।
तो हे माँ भगवती, आप गुरु स्वरूपा मेरे लिए आगे हो। एक निवेदन है आपसे, और ये निवेदन ऐसा है कि मुझे जानना है मेरे पति बिंदु कौन से पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। तो माँ भगवती देवी पार्वती ने दिखाया कि तुम्हारे पति विंध्याचल पर्वत पर पिशाच योनि में है। केवल मनुष्य और मनुष्य योनि में हो उद्धार लिखा है, और अन्य किसी योनि में उद्धार नहीं। अब क्या करें, पिशाच योनि की बहुत सारी वेदनाएं हैं, ना धर्म हाथ से हो रहा है ना सत्कर्म, केवल वायु पीकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब क्या करें। बड़ी देर तक सोचने लगी। इसका उपाय माता उमा अंबिका से ही पूछा, माई आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वरूपिणी हो, और इसलिए आपसे निवेदन है, जैसे देवताओं की स्तुति करो तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भी स्तुति करना तो दैवी गुण है ही है। हमें स्तुति इसलिए नहीं करना कि उसमें कुछ विशेष गुण है, पर हाँ ये जरूर है, हमें स्तुति इसलिए करना है कि उसमें से छुपे विशेष गुण देखने की दृष्टि उस प्रभु ने आपको दी है, इसलिए स्तुति करना है। क्या आगे वाले में अगर कोई गुण है तो वो गुण देखने की विशेष कला हम में है, नहीं तो कुछ लोग गुण नहीं देख पाते। जैसे हमारे प्रह्लाद जी को स्तंभ में भी नारायण दिखाई दिए, यानी जड़ में भी चैतन्य दिखाई दिए, और हम क्या करते पता है, किसी चेतन व्यक्ति में भी कुछ दुर्गुण ढूंढते फिरते हैं। ये सब अच्छा है, पर ये है, कुछ ना भी हो ना तो कुछ खोज लेंगे, इधर उधर से निकाल लेंगे। क्या है भजन, ताली बजा के जोर जोर से ढोल पीट के हम गा रहे, क्या ये भजन? ये संकीर्तन का एक पहलू है, पर सच्चा भजन तो यही है कि हृदय से सबके लिए आशीर्वाद निकले और सबके गुणों को हम सराहित कर सके और गुणों के संग्रही बन सके, है ना? तो हाँ कहिए, नहीं तो ना कहिए, पर कुछ तो कहिए। कहता वही है जो जग रहा है, कह वो नहीं सकता जिन्हें निद्रा देवी प्रसन्न हुई। जानते तो होंगे निद्रा देवी को, जानते तो होंगे, ऐसे तो नहीं आती, पर बुलाए तो आए बिना रहती भी नहीं है। क्या आप दोष दे सकते हैं निद्रा देवी को? बिल्कुल नहीं, देना भी नहीं चाहिए। जब जीवन के इस परिश्रम से थक हार के भागते हैं तो वही तो है जो हमें आगोश में लेके फिर से ताजा करती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। हे माँ भगवती, इसलिए आप अब कुछ तो उपाय करें मेरे पति के उद्धार का। तो माता जगदम्बा माँ उमा ने कहा, हाँ एक उपाय है, तुम्बरु नारद जी के जो मित्र है महामुनि तुम्बरु को बुलवाया गया, और तुम्बरु जी से कहा कि आप तुरंत विंध्याचल पर्वत जाइए इस सती के साथ, और वहाँ इस प्रेत उस पिशाच को अपनी कथा सुनाइए, शिव की कथा सुनाइए। तो लेकर सती जी को साथ लेकर प्रेत को बांधा भी नहीं जा रहा था, तो भी फिर भी कैसे तो करके बांध के उसको बिठाया इस पिशाच को, और कथा सुनाई। कथा के पूर्णता होने पर वह दिव्य रूप धारण किया, और दिव्य रूप धारण करके सद्गति को प्राप्त हुआ। ये कैसे संभव हुआ? ये वैसे ही संभव हुआ जब शिव कथा सुनी है, शुभ कथा सुनी है। आइए भजन करें और फिर कथा की ओर बढ़ें। परमेश्वराय शशि शेखराय गंगाधराय नमो, गुण सांभवाय शिव तांडवाय शिव शंकराय नमो। We'll be right back.
ऋषि कैलास पास विश्वेश्वराय नमः समान भाव मार्यम तमीश जरा मरमात्मदेवम पंचाननम प्रबलवशा विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशमम हरये नमः। अच्छा ये हरये नमः प्रेजेंट ही है, बीच बीच में देते रहना। दो बातें हैं, पहली बात तो ये है कि हम भी आए हैं, हमारी भी हजरी लगा लेना, और दूसरी बात ये है अगर गलती से कारणवश किसी को निद्रा देवी प्रसन्न हुई हो, वो जाग तो जाए, कुछ तो हुआ है, तो ये रामबाण औषध है, कार्य करता ही है, सफल होता ही है। कहने का तात्पर्य जहाँ स्कंद द्वारा विंदीश्वर संहिता द्वारा यहाँ आरंभ होने जा रहा है शिव पुराण का सबसे पहला खंड। खंड माने क्या? 12 खंड है। ये सब बाहर से भेजे गए हैं, यहां बैठना है तो शांत बैठना पड़ेगा। सुन रहे ना, कभी कभी लगता है बच्चे तो भी मान जाए, बड़े कुछ भी करे मानते ही नहीं है। बाहर से तो शांत बैठ जाएंगे पर मन तो इधर उधर चलते रहता है। खंड माने क्या? तो इन पूरे श्लोकों को 12 खंड में विभाजित किया गया। पहला है विंदीश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है विनायक संहिता, फिर उमा संहिता, मातृ संहिता, वायु संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कौटिक रुद्र संहिता, और फिर शतकौटिक रुद्र संहिता, फिर वायु रुद्र संहिता और धर्म संहिता। तो तात्पर्य 12 स्कंद 12 खंड बताए हैं। इस पूर्ण कुल मिला के श्लोक कितने थे? 100,000। पर एक बात है, देखो कितनी सुंदरता है, इतने सारे 100,000 ग्रंथों का अध्ययन, 100,000 श्लोकों का अध्ययन कब करें? तो वेद महर्षि व्यास जी, जो व्यास नारायण कलयुग के पूर्व द्वापर युग में बड़े ही अद्भुत अवतार हुए हैं, उन्होंने क्या किया, इनको, इन सब पुराणों को, इन सब ज्ञान को एक शिव पुराण में ला के बिठाया, जिनके केवल 7 खंड हैं।
विंदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कौटिक रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता सात खंड में विभाजित किया। और किसी ने अगर आपको पूछा कि सुन तो रहे हो श्री पुराण कथा, कितने श्लोक है, तो बता सकते हैं 24 24।